हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर टी बख्शी द वेलडिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर की छाया में हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप सभी से बात कर रही है। एक खास वचन जो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, वो ये है कि कई बार हम अपनी आराम के चक्कर में अपने आशीषों को छोड़ देते हैं। कई बार हम अपने कम्फर्ट जोन्स को पकड़ लेते हैं और हम अपनी आशीषों को जाने देते हैं। परमेश्वर जब कभी भी किसी को आशीष देना चाहता है तो उसको वो कंफर्ट जोन में से वो बाहर लेकर आता है। ये बाइबल में कई जगह पर हुआ और आज हम इस चीज को देखेंगे कि ये अपना कंफर्ट जोन जो हम कई बार पकड़ कर बैठे हुए हैं वो शायद हमारी आशीषों को रोक रहा है। गर्मियों का मौसम आने के लिए है, और जब ये गर्मियों का मौसम होता है तो बहुत सारे घरों में एसी चलता है, और कई लोग मेरे को ये कंप्लेन करते हैं कि हम आज रात को सो नहीं पाए या आज हम ठीक से सो नहीं पाए क्योंकि हमारे एसी का टेम्परेचर या वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन था। तो होता अक्सर ये है कि वो हम अपने वोल्टेज को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। कभी हम उसको 16 पे कट करेंगे, कभी हम उसको 18 पे करेंगे, कभी हम इसको 22 पे करेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो एक सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि क्योंकि हम ये अपने एसियों को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बिजली का कंजम्पशन होता है, आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। और बजाय इसके कि हम एक टेम्परेचर सेट कर दें और उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें, हम उस टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते रहना चाहते हैं। तो यही बात कई बार हमारे आशीषों के साथ भी हो जाती है कि परमेश्वर हमको कुछ करने को कहता है और हम कुछ करने लगते हैं, और कभी कभी हम उसकी उसके लेंथ को अडेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। अगर आपके कान उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे तो आपके लिए बरकत कहाँ रखी है, इसको ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम यहोशू की पुस्तक में जाएंगे और उसके यहोशू की पुस्तक 5 के अंदर 6 से हम इसको पढ़ना चालू करेंगे। और यहाँ पे एक खास कहानी है। यहोशू की पुस्तक जब भी मैं पढ़ता हूँ तो यहोशू की पुस्तक में मेरे को एक खास बात नजर आती है, एक न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप। और ये एक नया लीडर जो है वो परमेश्वर के राज्य को आगे एडवांस करा देना चाहता है। मूसा था वहां पर, मगर अभी यहोशू वहां पर है, और यहोशू परमेश्वर के काम को या जो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर रहा है। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको यहोशू 5 उसका 6 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसीलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैं तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर को मैं तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उसके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनका खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और उन सारी जाति के लोगों को खतना हो चुका था, वह चंगे हो जाने तक वह अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैं आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। इसीलिए इजरायलियों गिलगाल में डेरा डाले रहे, और उन्होंने यहरियों के पास के अराबा में पूर्ण मासी की संध्या तक समय फसह माना, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन से वह देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इजरायली को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कानन देश की उपज में से खाया। बड़ी मजेदार बात है जब हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहोशू से बात कर रहा है, और ये एक ट्रांजिशन हो रहा है पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक।
अभी तक जो सबसे बड़ा डिलीवरेंस मेरे हिसाब से पूरी बाइबल में अगर कहीं भी हुआ है, वो डिलीवरेंस एक्सोडस की किताब यानी निर्गमन की पुस्तक में मूसा के द्वारा हुआ, जहां लाखों 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 इजरायली परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखा है, और महिमा को देखने के बावजूद भी ये लोग अपने वायदे से चूक गए, अपनी आशीषों से चूक गए। हम में से बहुत सारे लोग आजकल की कलीसिया जो है वो चिन्ह और चमत्कार के पीछे दौड़ रही है इतना कि वो परमेश्वर जो चिन्ह और चमत्कार करता है उसको भूल गए। ऐसा नहीं है कि हमारी कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, ऐसा नहीं है कि मैं चिन्ह और चमत्कार के खिलाफ हूं, वो सब जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार वो है कि जब कोई मन फिराए और यीशु मसीह को अपना दिल दे और यीशु मसीह में आए और वो एक नया जीवन पाए, उससे बड़ा चमत्कार मेरे हिसाब से कोई नहीं है। मगर उसके आजू बाजू भी बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें होती है, चंगाइयों की, चिन्ह की, छुटकारे की, और परमेश्वर वो करने के लिए बहुत बहुत काबिल है, वो करता भी है। मगर कई बार हमारा जब फोकस केवल वही हो जाता है कि हम परमेश्वर में से क्या निकाल सकते हैं, तो कई बार हम जो परमेश्वर की जो रियलिटी है उससे बहुत दूर हो जाते हैं। ये जो इसराइलियों की बात कर रहा था जो 430 साल तक मिस्र देश में रहे, जिसमें 400 साल इनकी जिंदगियों में एक बहुत ही टफ साल रहा, ऐसे फिरौन उठे जिन्होंने इनको दबाया, इनको तकलीफ दी, इनको ताड़ना दी, अचानक से परमेश्वर मूसा को एक लीडर को उनके पास वापस भेजता है, और मूसा जब वहां पर आता है वो अपने दुश्मनों को हारता हुआ देखते हैं, वो दुश्मनों के ऊपर टिड्डियों को आता हुआ देखते हैं, फोड़ों को आता हुआ देखते हैं, दुश्मनों के ऊपर आसमान से आग गिरती हुई देखते हैं, वो दुश्मनों के घरों में पहलोटों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दुश्मनों का पहला जनरेशन ही साफ कर दिया, और ऐसी जगह पर ये लोग परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, और पर ये लोग परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर महसूस करते हैं, जो कल तक मिस्री लोग इनको दबा रहे थे, मार रहे थे, इनको तकलीफ दे रहे थे, वो अचानक से कहते हैं हमारे घर से सोना चांदी लो और निकल जाओ, और ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं, वो निकल पड़ते हैं, वो वीराने में जाते हैं, वीराने में इनके सामने लाल समुद्र आता है। परमेश्वर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नॉर्थ विंड या पुरवाई की हवा वहां पर चलाई, वो हवा चली और लाल समुद्र दो भाग हो गया, और ऐसा नहीं था कि लाल समुद्र की मिट्टी कीचड़ वाली मिट्टी थी, क्योंकि वो सूखी जमीन में से गए, बाइबल ये भी बताती है, वो सूखी जमीन में से बाहर निकले और पीछे फिरौन के रथ और घुड़सवार थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इनके दुश्मनों को इनकी आंखों के सामने मार दिया। जब आपके दुश्मन जो पीढ़ी पीढ़ी से आपके दुश्मन रहे हो, आपके ऊपर आपके ऊपर हमला किए जा रहे हैं, और जब आप उनके ऊपर परमेश्वर के जय को देखते हैं, वो कुछ और ही समा होता है। और ऐसा इन लोगों ने देखा कि फिरौन किस प्रकार से हराया गया। मिरियम ने ढफ ली और अपने सब लोगों के साथ गीत बोलने लगी और गीत का एक माहौल हो गया, परमेश्वर की जय जयकार हुई, और इतना सामर्थ्य इन लोगों ने देखा कि परमेश्वर इनको एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पे पानी कड़वा था, परमेश्वर ने उस पानी को मीठा किया। इनको फिर जरूरत पड़ी पानी की, तो परमेश्वर ने एक पत्थर में से पानी को निकाला, और जहां जहां पर ये जाते थे ये पत्थर इनको फॉलो कर रहा था। जब इनको भूख की जरूरत थी, परमेश्वर ने आसमानी मन्ना खिलाया। जब इनके इनके कपड़े कभी छोटे नहीं हुए, इनके जूते कभी नहीं फटे, और इनके लिए जो चीज भी इनको चाहिए थी मुहैया कराई जा रही थी, मगर फिर भी ये लोग परमेश्वर की सामर्थ को सिने पर्वत के ऊपर देखने के बावजूद भी ये लोग नीचे एक सोने की मूर्ति बनाकर या एक सोने का काफ या बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करने लगे। ये पहली चीज जो इन्होंने मूसा से कही, जो पहला बलवा इन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं। इसराइलियों को मिस्र में से निकालना बहुत आसान है, मगर मिस्र इसराइलियों में से निकलना बहुत मुश्किल है। हमारी सेवकाई में हम कई बार ऐसा देख चुके हैं कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आदमी खुद का है। शैतान उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप से दुश्मनी ना कर ले। सबसे बड़ा छुटकारा तब होता है जब आदमी को खुद से हम डिलीवर करा लेते हैं। बहुत सारे लोग सेवकाई के समय हमसे मिलते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, और ये काउंसलिंग के समय में हम एक बात समझ पाते हैं कि वो सारा दोष शैतान पे मढ़ रहे हैं। जब कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जबकि वो
खुद को दोष नहीं लगा रहे या दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए तैयार है कि मेरे पापा ऐसे थे, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे वाइफ ऐसा है, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरा स्कूल का टीचर ऐसा है, मेरे पुराने चर्च का पास्टर ऐसा है। मगर कई बार जब हम इन लोगों की जिंदगियों को बहुत गौर से देखते हैं, ये खुद जो 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 चीजें इनकी लाइफ में हो रही हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार है, और कई बार ये बात, ये जिम्मेदारी को ये उठाने से कतरा जाते हैं, और इनको लगता है कि हम जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, वो बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि हम वहां पर आशीष पाना चाहते हैं। मजेदार बात है कि बहुत सारा, आधे से ज्यादा कलीसिया यीशु को कंफर्ट देने वाला या आराम देने वाला परमेश्वर समझती है। मैं आज उस गुब्बारे को फोड़ देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे हुए शुरू से लेकर आखिर तक जिनकी जिंदगियों में कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा था, मगर परमेश्वर उनके साथ था। अय्यूब उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था मगर परमेश्वर उसके साथ था, और इस जगह पर भी उसके दिल से परमेश्वर के लिए कोई बुरी बात नहीं निकल रही थी, वो गवाही दे रहा था, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा था। और हम में से बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट को इतना प्यारा समझते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने से चूक जाते हैं। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको हम पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 1:2-4 तक पढ़ेंगे, और वहां पर हम कुछ बातों को खास तौर पर, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में है। बहुत सारे लोग जो चर्च में बैठे हुए हैं उनको चर्च इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पे वो लोग कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोग अपने चर्चेस में जाते हैं क्योंकि उनको चर्चेस में उनके दोस्त पसंद है। बहुत सारे लोग चर्चेस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका म्यूजिक पसंद है। मगर बहुत कम ही लोग हैं जो चर्च में जाते हैं जहां पे टीचिंग टफ होती है, क्योंकि जब टीचिंग टफ होने लगती है ये लोग कुर्सी के ऊपर ऐसे जलबिन मछली की तरह, बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे ख्याल से नहीं है ऐसे, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जलबिन मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। जब कोई बात कर रहा होगा तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें चंगाई चमत्कार होंगे, वो सब लोग ताली बजाने लगते हैं, मगर जहां बात आती है करेक्शन की सब लोग पीछे हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह जो है वो एक करेक्शन का परमेश्वर है। जहां कहीं भी यीशु मसीह गए उन्होंने सबसे पहली जो चीज की, उन्होंने कन्फ्रंट किया जो चीजें चल रही थी, जो चीजें हो रहा था उसको उन्होंने कन्फ्रंट किया, और फिर उन्होंने उसके अंदर जो गलतियां थी वो बताई, और उसके बाद एक करेक्शन को लेके आया। करेक्शन बिना कन्फ्रंटेशन के या बिना किसी चीज को रोके हुए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोग अपने आप को कन्फ्रंट करना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग अपनी सोच को कन्फ्रंट करना नहीं चाहते। उनको यीशु मसीह तो चाहिए मगर यीशु मसीह उनके अपने कंफर्ट जोन में चाहिए, और क्योंकि उनको यीशु मसीह अपने कंफर्ट जोन में चाहिए वो कभी आशीष नहीं पाते। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो आपके ऊपर दोष लगाए या कंडेम करे, क्योंकि कंडेम करने से कोई फायदा नहीं होता, मगर जब आप किसी को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत कन्फ्रंटेशन होता है कि आप इस तरीके से चल रहे हैं, आप इस तरीके से चलने लगे, और बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से लेते हैं, और फिर जब आप उनको बोलते हैं कि आपको करेक्शन की जरूरत है वो ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आपके ऊपर हमला करते हैं, आपके ऊपर आपको भद्दे मैसेजेस भेजते हैं, धमकियां देते हैं। जो आज हमारे सेवकाई की सबसे बड़ी जो मुसीबतें हैं वो चर्च में बैठे हुए लोगों की वजह से है। बाहर जब भी हम कभी गए, बाहर जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जब भी हम कभी गए, तो वहां के जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया, उन्होंने हमारे को बड़ा ही मान दिया, सत्कार दिया। मगर कई बार मैं जब चर्च के अंदर देखता हूं जिन लोगों के लिए हम गए, वो हमको धमकी देने लग गए, वो लोग हमको बोलने, अलग अलग बातें बोलने लग गए। ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि चर्च को जब आप उसको करेक्ट करने लगते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होने लगती है। यीशु मसीह भी एक ऐसे ही सिनेगॉग में गए, एक ऐसे ही सभा में गए जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, वचन प्रचार हो रहा था, सालों साल तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से यीशु मसीह इस सिनेगॉग के अंदर जाते हैं और प्रचार करने लगते हैं, तुरंत दुष्ट आत्मा उठ के खड़ी हो जाती है।
आज तक वही दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी चर्च में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराधना को सुन रहा था, ताली बजा रहा था, गीत गा रहा था, दान और दशमांश डाल रहा था, मगर जैसे ही उन्होंने सच्चा वचन सुना दुष्ट आत्मा उग्र हो गई। कई बार ऐसा होता है क्योंकि क्योंकि हम जो ये जो कंफर्ट वाली जो फीलिंग है ना, ये हम में से बहुत लोगों को है, और हम जब ये कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए ये दुष्ट आत्मा का काम है। शैतान आपको हमेशा बोलेगा आराम से बैठ जा, मेहनत मत कर, ये मत कर, ये बलिदान मत कर, ये सैक्रिफाइस मत कर, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपनी जगह पर बैठे रहें। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा बदलाइए, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, रिपेंट करो, मुड़ जाओ, और यही पवित्र आत्मा का काम है। और कई बार हम सच्चे काम को देखना नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी आवाज, हमारे कान जो है ये शैतान की बातों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से अपनी अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट से दूर है क्योंकि उनको कंफर्ट चाहिए, उनको आराम चाहिए, क्योंकि आराम और ब्लेसिंग आप एक साथ नहीं पा सकते। या तो आप आराम पा लीजिए या आप ब्लेसिंग पा लीजिए। पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है, मगर वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। वो हमारे को मुश्किल वक्त में सहायता देने के लिए आया, मगर ये सहायता इसलिए मिली ताकि हम दूसरों तक वो पैगाम पहुंचा सकें कि यीशु शांति का परमेश्वर है, उसने मेरे तूफानों को शांत किया, वो आपके तूफानों को भी शांत करेगा। अगर आप मती 14 के अंदर देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है अपने बाकी 11 चेले और कुछ लोगों के साथ एक नाव के अंदर बैठा हुआ है, और वो नाव तूफान से गिर जाती है, और जब वो तूफान से गिर जाती है तो वो यीशु मसीह को लहरों पर चलता हुआ देखते हैं। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर हियाव था, वो जोश था। पतरस यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू ही प्रभु है तो तू मुझे इस पानी पर चलने को बोल। और बड़ी मजे की बात होती है, बाकी 11 लोग उसको बोल रहे हैं पतरस बाहर मत निकल, अपनी सिक्योरिटी को मत छोड़, अपने कंफर्ट को मत छोड़, अपनी नौकरी को मत छोड़, अपने जिस जगह पर तू है परमेश्वर ने तुझे वहां पर रखा है, बाहर मत निकल। मगर पतरस के पास विश्वास था और वो विश्वास का कदम लेता है। विश्वास जो होता है हमेशा टेस्ट के थ्रू जाता है। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगली क्लास में बिना टेस्ट के पहुंच गया। अगर आप कलीसिया या आत्मिक उन्नति भी करते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, और जब आप उस टेस्ट में से होकर गुजरते हैं तभी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ती है। और पतरस इस टेस्ट के लिए तैयार था। 11 लोग नाव में बैठे हुए थे, मगर पतरस इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार था कि जो पानी से ये लोग डर के नाव को पकड़ के बैठे हैं वो उसी पानी पर पांव रख के चलने को तैयार था। पतरस ने उस पानी के ऊपर पांव रखा और वो भी चलने लगा। ये बात आगे की कहानी आप सभी को मालूम है कि वो डूब गया और यीशु मसीह ने उसको निकाला। मगर मेरा जो मानना है, उसने अपने कंफर्ट, अपनी सिक्योरिटी को छोड़ दिया। हम में से बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ना नहीं चाहते, जिस जगह पे, जिस घर पे हम बैठे उसको नहीं छोड़ना चाहते, मगर हम जब बातें करते हैं तो हम ऐसी बातें करते हैं कि आज हम बेदारी लाने वाले हैं, हम ही बेदारी लाने के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम आप इस पूरे वाक्य को देखते हैं, वहां पर 11 चेले और थे, वहां पर थॉमस भी था, वहां पर जॉन भी था, वहां पर और भी लोग थे जो यीशु मसीह के साथ थे, मगर पानी पर चलने का एक्सपीरियंस केवल पतरस को था क्योंकि उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। बाइबल कंफर्ट जोन की किताब नहीं है। आप अब्राहम से लेकर पतमोस के आइलैंड पर बैठा हुआ यूहन्ना की कहानी देख लीजिए कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कंफर्ट जोन के बाहर लाकर आशीष दी। जब भी परमेश्वर अब्राहम से मिला, उसको परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बाप के घराने से बाहर बुलाया, अपने खेमे से बाहर बुलाया, और बाहर बुला के परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर जब याकूब से मिला, वो अपने बाप के घर से बाहर आ गया था। परमेश्वर जब गिदियोन से मिला, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर था। परमेश्वर ने जब मूसा को चुना, मूसा को उसने मिस्र के महल में नहीं चुना, एक बियाबान में, एक अनकंफर्टेबल जगह पर, एक रेगिस्तान में उसको बुलाया, और वहां पर उसके साथ उसने एनकाउंटर किया। तो हम जब कंफर्ट को ढूंढते हैं, वो कंफर्ट हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठ जाए या एक चुपचाप से कमरे में यीशु मसीह का धन्यवाद बोलकर सो जाए। आपको कंफर्ट मिला है ताकि आप दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि शांति का परमेश्वर मेरे साथ है।
जब आप तूफानों में से होकर गुजरते हैं, उन तूफानों को शांत कराने वाली कुव्वत आपके साथ है ताकि आप दूसरों को बता पाए। अपने कंफर्ट जोन को अगर आप पकड़कर बैठेंगे तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। और परमेश्वर आपको कंफर्टेबल करना नहीं चाहता। जब हम व्यवस्था विवरण 32 पढ़ते हैं, उसके 11 से लेकर 13 तक, वहां पर एक चील की के बारे में मेंशन किया गया है। वो चील क्या करती है कि अपने बच्चों के लिए अपने पंखों को फाड़कर वो एक घोंसला बनाती है, मगर वो पंख लगाने से पहले उस घोंसले के अंदर कांटे भी लगा देती है। वो कांटे इसलिए लगाती है ताकि बच्चे आराम से उस घोंसले में खाते पीते मौज ना करते रहे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का वजन बढ़ेगा, उनका वजन बढ़ने के कारण उनको कांटा चुभेगा, वो अनकंफर्टेबल होंगे और वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने भी शायद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे कांटे छोड़ रखे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। हम सभी का जो अनकंफर्ट से एक मैकेनिज्म है अनकंफर्ट से डील करने का। शायद हम में से बहुत सारे लोग खाना खाने लगते हैं, अचानक से पूरी की पूरी आइसक्रीम की भी टब गायब हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग पूरे का पूरा पैकेट चिप्स का खा जाते हैं जब हम कभी अपने कंफर्ट से। कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं, ये दोस्त मुझे शांति देगा। कुछ लोग नशे के लिए जाते हैं, सिगरेट के लिए जाते हैं, और इन इन जगहों पर ये सारी चीजें हानिकारक हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के पास आए। हम में से बहुत सारे लोग इस कंफर्ट के दुष्ट आत्मा से प्रेरित मतलब घिरे हुए हैं। हम बाइबल चर्च में नोट्स लेते हैं, ताली बजाते हैं, मगर चेंज करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने हमको कंफर्टेबल किया हुआ है। दुष्ट आत्मा ने हमें बहुत बुरी तरीके से कंफर्टेबल किया है। क्योंकि उसने हमें कंफर्टेबल किया है, हम बदलाव की ओर देख ही नहीं रहे। परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है। ये चील जो है अपने बच्चे की जिंदगी में बदलाव को लेकर आती है। वो अपने घोंसले को तोड़ देती है, अपने बच्चे को निकालती है, ऊपर उछालती है और छोड़ती है, और देखती है कि उसका बच्चा पंख हिला पा रहा है कि नहीं हिला पा रहा। अगर नहीं हिला पा रहा, इसको पकड़ती है, फिर ऊपर ले जाके छोड़ती है, और जमीन में गिरने से पहले उसको उठा लेती है। और यही एक्सरसाइज वो तब तक करती रहती है जब तक इसका बच्चा उड़ना ना सीख ले। इसका परमेश्वर भी शायद हमारे जीवन में इसी प्रकार से काम करना चाह रहा है कि वो हमको अनकंफर्टेबल कर रहा है हमारे करंट सिचुएशंस में। शायद कोरोना वायरस भी उसी का एक एग्जांपल है या एक तरीका है हमको सिखाने का कि मैं ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ हूँ, मैं ही तुम्हारा रिफ्यूज हूँ, मैं ही तुम्हारा शेल्टर हूँ। क्योंकि जब तुम मुझ पे भरोसा रखते हो, बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो मैं आज चर्च को चैलेंज करता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आए। जितने लोग भी आशीषित हुए, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आशीषित हुए। जितने लोग भी परमेश्वर के लिए सही रीति से इस्तेमाल हुए हैं, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही इस्तेमाल हुए हैं। परमेश्वर ने पतरस को बाहर बुलाया और वो एक मछुआरा था, उसको कहा कि मैं तुझे आदमियों का मछुआरा बनाऊंगा। और यही परमेश्वर की बात है कि वो जहां पर आप हैं वहां पर आपको सिखाता तो जरूर है, मगर आपको इस्तेमाल एक नई जगह पर, एक नई दिशा में करता है, क्योंकि परमेश्वर एक बदलाव का परमेश्वर है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ये सब्सक्राइब बटन है, इसको जरूर दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। प्रार्थना के लाइन नंबर्स भी नीचे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनके ऊपर अपने मैसेजेस, अपने कॉल्स कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको जहाँ कहीं पे भी है आपसे बात कर रहा है और आपको एक बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। सबको जय मसीह की, आपसे फिर मुलाकात।